नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम करने वाले हैं आपकी क्लास 7 संस्कृत एनसीईआरटी का सप्तम पाठ है। सप्तम पाठ है यानी कि सातवां पाठ, सेवेंथ चैप्टर। नाउ इसका नाम है त्रिवर्ण ध्वज है यानी कि तीन रंग का झंडा, तिरंगा झंडा। लेट्स स्टार्ट। केचन बालका काश्चन बालिकाश स्वतंत्रता दिवस ध्वजारोहण समारोहे सोहास्यम गच्छन परस्परम संलपन्ति। केचन बालक यानी कुछ बालक, काश्चन बालिकाश और कुछ बालिकाएं स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण के समारोह में उत्साह के साथ जाते हुए परस्पर बात करते हैं। जैसे देवेश है वो कह रहा है अद्य स्वतंत्रता दिवस है, आज स्वतंत्रता दिवस है। अस्माकं विद्यालयस्य प्राचार्य ध्वजारोहणम् करिष्यति, हमारे विद्यालय के जो प्राचार्य हैं वो ध्वजारोहण करेंगे। छात्राश्च सांस्कृतिक कार्यक्रमान् प्रस्तुयन्ति, छात्र जो हैं विद्यार्थी लोग जो हैं वो सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। अन्ते च मोदकानि मिलिष्यन्ति और लास्ट में अंत में मोदक यानी कि लड्डू मिलेंगे। डेबिट सुचे सुचि जिसको आवाज़ दे रहे हैं, संबोधन कर रहे हैं तो बोल रहे हैं सुचे जानासि तुम, क्या तुम जानती हो अस्माकं ध्वज कीदृश है, हमारा जो ध्वज है वो कैसा है। सुचि अस्माकं देशस्य ध्वज त्रिवर्ण अस्ति, त्रिवर्ण इति हमारे देश का जो झंडा है ध्वज है त्रिवर्ण इति तिरंगा है या तीन रंग का है। सलीम कहता है रुचे अयम त्रिवर्ण कथम, रुचि तुम बताओ ये तीन वर्ण कैसे हैं। तो रुचि बताती है अस्मिन् ध्वजे त्रयवर्णा सन्ति अतः त्रिवर्णा, यानी कि हमारे ध्वज में तीन रंग है इसलिए इसे त्रिवर्ण कहते हैं। किम तुम एतेषां वर्णानां नामानि जानासि, क्या तुम इन तीन वर्णों के नाम जानते हो। तो सलीम ने कहा अरे केसर वर्ण है, श्वेत हरित च अते त्रिवर्णा, केसर वर्ण यानी केसरिया रंग, श्वेत सफ़ेद रंग, हरित हरा रंग, ये तीनों वर्ण हैं, तीनों रंग हैं। देवेश कहता है अस्माकं ध्वजे एते त्रिवर्णा किं सूचयन्ति, हमारे ध्वज में जो तीन रंग हैं ये क्या बताते हैं। सलीम कहता है शुणु सुनो, केसर वर्ण शौर्यश श्वेत सत्यश हरितश समृद्धि सूचका सन्ति, केसर वर्ण यानी केसरिया रंग शौर्य का, श्वेत रंग सफ़ेद रंग सत्य का, हरितश हरा रंग समृद्धि का सूचका सन्ति यानी सूचक है। किम एतेषां वर्णानां अन्यदपि महत्वम, सूची कहती है क्या इन रंगों का और भी कोई महत्व है। तो डेविड कहता है आम कथम न, आम क्यों नहीं है। ध्वज से ऊपरी स्थित है केसर वर्ण त्यागश उत्साहश च सूचक है, ध्वज में ऊपर स्थित सबसे ऊपर स्थित केसर वर्ण यानी केसरिया रंग त्याग और उत्साह का सूचक है। मध्य स्थित श्वेत वर्ण है सात्विकता या सुचिताम च द्योतक है, मध्य में स्थित जो श्वेत वर्ण है सफ़ेद रंग है वो सात्विकता और सुचिता यानी पवित्रता का द्योतक है। अध्य स्थित हरित वर्ण है वसुंधराया सुषमाया उर्वरतायाश्च द्योतक है, अध्य नीचे स्थित हरित वर्ण यानी हरा रंग का वर्ण वसुंधरा हमारी धरती सुषमा और उर्वरता का द्योतक है। तेजिंदर कहता है सुचे ध्वजस्य मध्य एक नीलवर्ण चक्र वर्तते, ध्वज के बीचों बीच एक नीले रंग का चक्र भी होता है। तो सूची कहती है आम आम हाँ हाँ इदम अशोक चक्रम कथ्यते, इसे अशोक चक्र कहते हैं। एतत् प्रगते न्यायस्य च प्रवर्तकम्, ये प्रगति और न्याय का प्रतीक है यह प्रवर्तक है। सारनाथ है अशोक स्तंभ अस्ति, ये सारनाथ का अशोक स्तंभ है। तस्मात् एवं एव एतत् कृतम्, वहीं से इसको यहाँ ग्रहण किया गया है। अस्मिन् चक्रे चतुर्विंशति अरा सन्ति, अरा यानी तीलियाँ, इस तरीके से जो चक्र होता है उसके अंदर जो तीलियाँ होती है वो अरा अस्ति, उसके अंदर 24 चतुर्विंशति 24 तीलियाँ हैं। भारत मैरी कहती है भारतस्य संविधान सभायां 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे समग्रतया अन्य ध्वज स्वीकरणम जातम,
हमारे संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को पूरी तरह से हमारे ध्वज को स्वीकार किया था। तो तेजिंदर कहता है अस्माकं त्रिवर्ण ध्वज स्वाधीनता राष्ट्र गौरवस्य च प्रतीक है। हमारा जो ध्वज है त्रिवर्ण ध्वज है, तिरंगा ध्वज है, ये हमारी स्वाधीनता यानी कि स्वतंत्रता और राष्ट्र का गौरव है। अतः एव स्वतंत्रता दिवस गणतंत्र दिवस च अस्य ध्वजस्य उत्तोलनम समारोह पूर्वकम भवति। इसलिए स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर हमारे ध्वज को उत्तोलन यानी कि फहराने का उठाने का समारोह होता है। जयतु त्रिवर्ण ध्वज जयतु भारतम, हमारे त्रिवर्ण ध्वज की जय हो और हमारे देश भारत की जय हो। अब थोड़े शब्दार्थ हैं वो देख लेते हैं। त्रिवर्ण ध्वज यानी तीन रंगों वाला झंडा, तिरंगा झंडा, त्रिकलर फ्लैग। सलमपंथी वार्तालाप करते हैं, करती है टॉक। प्रस्तुयंती प्रस्तुत करेंगे, करेंगी बिल प्रजेंट। मोदकानी लड्डू अ काइंड ऑफ स्वीट। ऊर्जास्वया ऊर्जा की ऑफ एनर्जी, अरा तीलियाँ स्पॉक्स। उत्तोलन ऊपर उठाना या फहराना, हॉइस्टिंग। अब इनके क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध कथनस्य सक्षम समक्षम आम अशुद्ध कथनम समक्षम इति लिखत, यानी कि अगर कथन सही है तो आपको आम यानी हाँ लिखना है और कथन सही नहीं है तो ना लिखना है। तो अस्माकं राष्ट्रस्य ध्वजे त्रिवर्ण सन्ति, आम। ध्वजे हरितवर्णे शांते प्रतीक अस्ति, ध्वज में जो हरा रंग है वो शांति का प्रतीक है, नहीं है। ध्वजे केसर वर्ण शक्त्या सूचकम अस्ति, ध्वज में जो केसर वर्ण है केसर है वो शक्ति का सूचक है, बिल्कुल। चक्रे त्रिंशत अरा सन्ति, जो चक्र है उसमें 30 तीलियां हैं, नहीं। चक्रम प्रगते द्योतकम, चक्र प्रगति का द्योतक है, बिल्कुल सही है। अधोलिखितेषु पदेषु प्रयुक्ता विभक्ति वचनम ने लिखत, तो जो यहाँ पर लिखे गए हैं इनके विभक्ति वचन आपको बताने हैं। जैसे त्रिणाम हो गया षष्ठी बहुवचन, ऐसे समृद्धि षष्ठी एक वचन, वर्णानाम षष्ठी बहुवचन, उत्साहस षष्ठी एक वचन, नागरिके तृतीया बहुवचन, सात्विकताया षष्ठी एक वचन, प्राणानाम षष्ठी बहुवचन, सवायाम सप्तमी एक वचन। एक पदेन उत्तरत, यानी कि एक पद में उत्तर देना है। अस्माकं ध्वजे कति वर्णा सन्ति, त्रैवर्णा, तीन रंग। त्रिवर्ण ध्वजे शक्त्या सूचक कै वर्णा, शक्ति का सूचक कौन सा वर्ण है, केसर, केसर वर्ण, केसरी रंग। अशोक चक्रे कस्य द्योतकम अस्ति, तो अशोक चक्र प्रगते प्रगति का द्योतक है। त्रिवर्ण ध्वज कस्य प्रतीक है, तो त्रिवर्ण ध्वज स्वाधीनता राष्ट्र गौरवस्य च प्रतीक है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, एक वाक्य में उत्तर देना है। अस्माकं ध्वजस्य श्वेत वर्ण कस्य सूचक अस्ति, तो हमारे जो ध्वज में श्वेत रंग है वो किसका सूचक है, तो सत्यस्य सत्य का और शुचिताया च, ठीक है, सत्य का और सुचिता पवित्रता का सूचक है। अशोक स्तंभ कुत्र अस्ति, अशोक स्तंभ कहाँ पर है, सारनाथे, सारनाथ में। त्रिवर्ण ध्वज से उत्तोलनम कदा भवति, तो स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवस च। अशोक चक्र कति अरा सन्ति, अशोक चक्र में कितने अरे हैं, चतुर्विंशति। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानि आदृश्य प्रश्न निर्माण करोत, इनसे प्रश्न निर्माण करना है, यानी कि अस्माकं त्रिवर्ण ध्वज विश्वविजयी भवे, तो त्रिवर्ण ध्वज इस पर अंडरलाइन हो रही है तो यहाँ पर क्वेश्चन लगाना है, तो यहाँ लग जाएगा क, तो अस्माकं कः विश्वविजयी भवेत। सर्वधर्म प्रमादम वयम न कुर्मात, तो प्रमाद की जगह आ जाएगा किम, स्वधर्मात् किम वयम न कुर्मात्। एतत् सर्वम् अस्माकं नेतॄणां सद्बुद्धे सत्फलम्, सद्बुद्धे के लिए केषाम्, एतत् सर्वम् अस्माकं नेतॄणां केषाम् सत्फलम्। शत्रुणां समक्षं विजयं सुनिश्चितं
भवेत्, तो केषां समक्षं विजयः सुनिश्चितः भवेत्। उदाहरण अनुसार समुचित पदे विशिष्ट स्थानी पूर्यता। उदाहरण दिए हुए हैं आपको कि जैसे पट्टिका शब्द है वो षष्ठी विभक्ति है, तो क्या बनेगा एक वचन में? पट्टिका या पट्टिकायो, पट्टिका नाम। तो अग्निशिखा का क्या बनेगा सप्तमी विभक्ति में? अग्निशिखायाम, अग्निशिखायो, अग्निशिखासु। सवा चतुर्थी विभक्ति में बनेगा सवायी, सवाभ्याम, सवाभ्याम। अहिंसा द्वितीय विभक्ति में अहिंसाम, अहिंसे, अहिंसा। सफलता पंचमी विभक्ति में सफलताया, सफलताभ्याम, सफलताभ्याम। सूचिका सूचिकया, सूचिकाभ्याम, सूचिकाभ्याम, सूचिका भी। लास्ट क्वेश्चन है समुचित सम्मेलन कृत्वा लिखत, यानी कि इनका मिलान करना है। तो केसर वर्ण, केसर वर्ण किसका प्रतीक है? हमारे शौर्य त्याग च सूचक। हरित वर्ण सुषमाया उर्वरताया च सूचक। अशोक चक्रम प्रगते न्याय च प्रवर्तकम। त्रिवर्ण ध्वज स्वाधीनता राष्ट्र गौरव च प्रतीक। त्रिवर्ण ध्वज से स्वीकरण 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे जातम। इसी के साथ आपका ये चैप्टर यहाँ खत्म होता है। मुझे उम्मीद है ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ समझ में आया हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। हम मिलेंगे एक और नए चैप्टर के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।